लोगों का ब्लॉग्स चल रहा था, ब्लॉगिंग किस तरह से करना है। और उसमें एक और एक चीज आप देख लीजिए, उसमें थीम किस तरह से जस्ट क्लिक करके हम लोग एक्टिवेट करते थे, लास्ट टाइम हम लोग देखे थे, लेकिन कुछ थीम्स बात नहीं आते, तो उसको किस तरह से अपलोड करना है, यानी सिस्टम में डाउनलोड करके फिर उसको किस तरह से अपलोड करना है वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक चीज देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? क्लियर है? तो यहां पर देखिए आप, यहां पर आप ब्लॉगर थीम बोल के टाइप करें, और यहां से आप क्या करें, इसको क्लिक करें, और यहाँ पर इसमें अगर देखेंगे, अरे मैं यहाँ पर देखिए ब्लॉगर है, क्लिक कर लीजिए। ये है, इसमें डिफॉल्ट थीम तो जो है ना इस तरह से रहती है। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ से ब्लॉगर थीम टाइप करें और यहाँ से कौन सा भी एक थीम ले लीजिए, वो अप्लाई होती है। लाइक आपको देखने पर ऐसा दिखेगा कि वो एक वेबसाइट की तरह नजर आता है, ठीक है। इसमें पहली बात आप यहाँ पर व्यू ब्लॉक करके देखें आपकी थीम किस तरह से नजर आता है। तो मैं ये कल थीम अपलोड किया था सर, मैं दूसरा दिखाऊंगा आपको। ये डिफॉल्ट इस तरह से है ये थीम, इसमें ये डिफॉल्ट जो है इस तरह से है थीम। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक अपलोड करने के बाद किस तरह से इसका प्रीव्यू नजर आता है। कौन सी भी एक ले लीजिए यहाँ से, ये देखिए। तो इसको क्या करें, पहले डाउनलोड करें यहां से,
देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है फाइल, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और शो फोल्डर करें, तो ये यहाँ पर आ गई है। मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, देखे ये मैं डाउनलोड करा, ये फाइल ये है, इसको मैं यहाँ से कट करूंगा और डॉक्यूमेंट्स में इसको मैं डेस्कटॉप पे डालूंगा। एक काम करेंगे हम, एक न्यू फोल्डर लिया भैया, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा मैं। जब मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा तो इसमें हम लोग जो अपलोड करने की जो थीम है, वो XML देखना है अपन। यहाँ पर देखिए XML, ठीक है। तो जब कभी भी आप डाउनलोड करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे जिप फाइल को, तो XML अपलोड करना रहता। तो देखेंगे किस तरह से इसको करेंगे हम। तो अभी यहाँ पर हम लोग डाउनलोड कर लिए और इनमें आने के बाद यहाँ पर देखिए, थीम में आने के बाद कस्टमाइज है यहाँ पर, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू है, इसको रिस्टोर कर लीजिए, ठीक है। इसको रिस्टोर करें और अपलोड ले लीजिए और डेस्कटॉप पे थीम का फोल्डर है, इसमें यहां पर देखिए XML डॉक्यूमेंट्स, जैसे इसको अपलोड कर लीजिए, यहां पर रिस्टोरिंग हो रही है यहां पर। तो यहाँ पर देखेंगे और इसको रिफ्रेश कर लीजिए, तो ये थीम आपको अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से प्रीवियस किस तरह दिख रही थी, अब किस तरह दिख रहे आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये सब तो ठीक है, इसमें ये होम ये इस तरह से दिखा रहा है, ये किस तरह से करना है, तो इसमें कुछ भी एडिटिंग वगैरह करना है तो आप क्या करना है, लेआउट में आना है। और यहाँ पर लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना है या ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, पेमेंट ऑप्शन कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाके देखें पेमेंट ऑप्शन है कहाँ पर, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर मेहनत करना रहता हम लोग को, ठीक है ना। कंट्रोल एफ पेमेंट, यहाँ पर आने के बाद आप देखिए
सारे चीजें से आपको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री शॉपिंग किधर है देख लीजिए आप, यहाँ पर थोड़ा बहुत मेहनत करना है था, यहाँ देखिए फ्री शॉपिंग, यहाँ पर फ्री शॉपिंग के बजाय यहाँ पर कुछ दूसरा चेंज करेंगे, यहाँ पर फ्री शॉपिंग नो प्राइस बोल के मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, और वहां पर देखिए चेंज हो रहा या नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए अब फ्री शॉपिंग है, फ्री शॉपिंग के बजाय यहाँ फ्री शॉपिंग के बाद क्या आना है, लो प्राइस। तो यहाँ पर देखिए फ्री शॉपिंग लो प्राइस, इस तरह से आप ये निकाल भी सकते हैं, या किस तरह से भी आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर है 24/7 सपोर्ट, इस तरह से बता रहा है, यहाँ पर क्विक पेमेंट बता रहा है, क्विक पेमेंट के बजाय क्विक पेमेंट मेथड, इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको सेव कर लीजिए, और यहाँ पर आकर क्विक पेमेंट के बजाय क्या आना है वहां पर, इस तरह से आप यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें चेंजेस करते कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, इसमें क्या रहता है थोड़ा बहुत मेहनत रहती कि यहाँ पर कौन से चीज कहाँ पर चेंजेस हो रही, जो चीज होना है इसको रख सकते हैं, जो चीज नहीं होना है यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थीम वगैरह सारे चीजें चेंज कर सकते, कुछ गैजेट ऐड करना है यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पर फेसबुक का लिंक वगैरह भी यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लगा सकते हैं, निकाल देना है यहाँ से, रिमूव कर दिया निकल जाता वहां से, ठीक है। ऐड गैजेट बोल तो फिर यहाँ से ऐड कर सकते, आपको ऐड क्या करना है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको वो चीज आ जाती है, ठीक है। इस तरह से सब्सक्राइबर सेल्स, इस तरह से बहुत सारे टैग्स वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और कुछ बैलेंस नहीं है, यहाँ पर तो ये है। तो आप लोग भी जो है ना इसमें कोशिश करें, क्रिएट करें और थीम अपलोड करने की कोशिश करें, इसमें ये सारे चीजें रहते हैं, आप लोग यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिए। तो अब देखने पर ये दिख रहा है कि एक वेबसाइट नजर आ रही, ठीक है। तो ये वेबसाइट नहीं है, ब्लॉग है, तो यहाँ पर देखिए जब ये वेबसाइट है या ब्लॉग है तो इस तरह से यहाँ पर शो होता है, आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है व्यू पेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है क्या है, ठीक है।
इस तरह से आप देख के पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पर आप वेबसाइट है तो वहां पर वेबसाइट दिखाता डायरेक्ट वो हिसाब से यहाँ पर नजर आता आपको। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? डाउट्स वगैरह तो इसमें तीन चार अक्षर से आप ब्लॉक से आप अर्न कर सकते हैं। चार चीजें हैं जिस तरह से कल सुने थे आप, कि पहला आप एक ब्लॉक क्रिएट कर कर जो है इसमें आप एक तरफ से अगर आपकी ट्रैफिक अच्छी आई आपकी ब्लॉक पर तो जो है यहाँ से आप गूगल एडसेंस से आप अप्रूवल ले सकते हैं और अप्रूवल लेकर वो उसका यहाँ से एड्स के थ्रू आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर तो सेटिंग करने रहता, बेसिक सेटिंग्स करने का रहता वहाँ पर, तो वहाँ से आप वो कर कर इसमें ऐड कर सकते हैं। जिससे जिस तरह से ऐड क्लिक करेंगे या कोई व्यू करेंगे तो इस तरह से ट्रैफिक आते जाएंगे आपके ब्लॉग पर, तो उस तरह से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। दूसरा क्या है, इसी में आप जो है आप अफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं अफिलिएट लिंक से। तीसरा क्या है, आप इसमें ये आपके जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, आपकी सर्विस दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चौथा क्या है, गेस्ट पोस्टिंग का रहता है। गेस्ट पोस्टिंग बस ब्लॉग सक्सेस चल रहे, रैंकिंग कर रहे हैं, गूगल क्रॉलिंग हो रहा है, इसमें आपका सर्च इंजन में आ रहा, तो जो है ना यहाँ से भी आप ब्लॉग से या वेबसाइट से भी जो है आप उस तरह से गेस्ट पोस्टिंग लगा कर आप अर्न कर सकते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग का वो आगे चल कर क्लास रहेंगी इंशाल्लाह, तो अभी बताने पर आपको समझ में नहीं आती चीज़, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप ये ब्लॉग्स क्रिएट कर कर भी जो है अर्न कर सकते हैं। हैदराबाद में ही है एक बंदा है, बंदे का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, वो बंदा पर मंथ 15 लाख रुपए सिर्फ ब्लॉग्स से कमा रहा बंदा, तो इस तरह से बहुत है। और एक भी एक यहाँ इंडिया का छह बंदा, उसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल की है, तो बच्चे का नाम जो है उमर कुरैशी बोल के है। आपको गूगल में यूट्यूब में टाइप करेंगे उमर कुरैशी, ये एक 8th-9th class का बच्चा है। तो वो बच्चा भी जो है ये ब्लॉग्स क्रिएट करके अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट कर कर जो है उसमें अफिलिएट लिंक्स वगैरह लगा कर भी जो है इसमें अर्न कर रहा है। इसमें बच्चा लाखों रुपए कमा रहा, नहीं स्कूलिंग से जो है ना बच्चा अर्न कर रहा। तो इस तरह से है इसमें, तो कोशिश करिए आप लोग, तो मेहनत करे तो क्या है, जरा समझ में आता आप लोग। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो इस तरह से ब्लॉक का हो गया। आप 3 दिन यानी ट्यूसडे आपको क्लास रहेंगे इंशाल्लाह, तो 3 दिन तक आप इसमें टास्क ये जो दे रहे हैं, तो 3 दिन जिस तरह से बताया गया था कि 3 दिन क्लास रहेंगे, 3 दिन जो है आपको टास्क दिया जाएगा, वो टास्क कंप्लीट करना है और ट्यूसडे तक इंशाल्लाह क्लास रहेंगे। कुछ डाउट रहा करा तो आप पूछ ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लॉग का आज कंप्लीट हो चुका है, आप इसमें आप कस्टमाइज करेंगे तो यहाँ पर तुम कस्टमाइज कर लेते जाइए आप, ठीक है, वेबसाइट में आकर आप डाल डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी का डाउट नहीं है तो क्लास भी यहीं एंड करेंगे और इंशाल्लाह ट्यूजडे क्लास रहेंगे इंशाल्लाह।
स्टैट्स में देखिए यहाँ पर ये कितने कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, तरह से पूरा यहाँ पर दिखाता आप, ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट कौन सा करे आप, कितने करे पोस्ट यहाँ पर दिखाता आपको, ठीक है। अर्निंग का तो मैं बता दिया कि अर्निंग किस तरह से यहाँ पर देंगे, क्रिएट गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना रहता है आप, तो ये अभी तो जो है ना क्रिएट नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब इसमें अच्छे खासी ट्रैफिक आ गई तो गूगल खुद आपको बोलेगा कि भाई आप गूगल एडसेंस का आप अकाउंट क्रिएट करें और वो अप्लाई करें, तो ताकि हम लोग गूगल एड्स चलाते आपके ब्लॉग पर बोल के, इस तरह से मेल वगैरह या इस तरह से इंटरफेस नज़र आता हो, तो यहाँ से आप क्रिएट कर कर भी जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, यही है गूगल एडसेंस का, ठीक है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर ट्यूजडे क्लास करेंगे इवनिंग इंशाल्लाह, ठीक है। ये फिर क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं अभी, वालेकुम सलाम जहीर भाई बोलिए। कोई डाउट है जहीर भाई इसमें आप? जी आप अपने तरफ से अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जय। वो लास्ट वीक अपन लास्ट वीक जो पेज बनाए थे ना मैकेनिक सर्विस का, जी वो पेज तो बना दिया लेकिन उसको लिंक अप कैसे करना, अपन खाली फ्रंट पे जो फर्स्ट पेज जो लैंडिंग पेज आ रहा है उसमें अपन होम और सर्विसेज अबाउट और इन्फो जो आ रहा ना, लेकिन उसको अपन क्लिक करे तो दूसरे पेज में नहीं जा रहा ना, वो खाली एक ही पेज बन रहा है। अपन उसके जो साइट पे गए तो खाली जो ना दो ही पेजा बता रहा है, अपन इसपे जो चार पेजा जो कर रहे हैं उसको लिंक अप करने का पूछना था मेरे को, कैसा मतलब पेज जो ना लिंक करना मतलब अपने वेबसाइट पे दिखने के लिए। ये तो अपन इसको एलिमेंटर से एडिट कर रहे हैं और उसमें और एक चीज क्या होता है, अपन एलिमेंटर से जब एडिट कर रहे हैं उन जितना जो ऑप्शन दे रहा वैसी मतलब बॉक्स उतने आ रहा, उसको छोटा बड़ा ऐसा मतलब उसको साइज छोटा बड़ा करना तो नहीं हो रहा हो। वो क्या है उसमें साइट इस तरह से माउस का कर्सर अभी थोड़ा मूव करेंगे ना तो वहां पर इस तरह से माउस का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता, तब जिस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप यानी छोटा बड़ा आप कर सकते, तो वहां पर थोड़ा मुश्किल। खाली जो हॉरिजॉन्टल में आ रहा वर्टिकल में नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल में आ रहा वर्टिकल में नहीं आ रहा। जी जी नहीं वहां पर आप देखिए छोटे बारीक डॉटेड क्यों बोलते, वहां पर क्लिक करने से क्या रहा दूसरों को क्लिक हो रहा हो, मतलब बॉर्डर पे चले आ रहा हो या दूसरे सेक्शन को क्लिक हो जा रहा, तो इसलिए तो थोड़ा मुश्किल होती है वहां पर, तो देख के करने से हो जाता है चेंजेस। और दूसरी बात आप जो पेजेस लिंक करने की बात बता रहे हैं तो यानी हाइपर लिंक के बारे में बता रहे हैं या तो क्या है उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो वहां पर नजर आता आपको, तो वहां पर आप क्या करें आप पेजेस कुछ क्रिएट करें हैं तो जो है उसमें आप लाइक आप दूसरे एक पेज में वो पेज दूसरा पेज में खुलना है तो उसको क्या करना है, आप वो जो होम पेज में है तो उसको होम पेज में सेक्शन को क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पैलेट खुल जाता होम अबाउट सर्विसेज का जो भी आपके मेनू बार से, तो वहां पर आप होम को क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो जो है ना वहां पर लिंक का ऑप्शन आता है वहां पर, तो वहां पर क्या करेंगे आप दूसरे पेज का लिंक वहां पर कॉपी करके यहाँ पर उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर लगाने के बाद उसको अपडेट करिए आप, ठीक है। तो अपडेट करने के बाद आप जब वो होम को क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्शन दिखाना कहाँ पर है, कौन से पेज में दिखाना है, कौन से बंदे किधर लेके जाना है, होम में लेके जाना है या अबाउट में लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, वो आप डिसाइड करके वहां पर लगा लीजिए, हो जाता। एक बात थोड़ा समझ में नहीं आया था इसलिए जो पूछूंगा, तो कल भी जो ना शाम में करें शाम में असर के टाइम पे करे थे। नहीं इस तरह से आप ये तो समझ में आ गया मैं जो बताया से आप,
नहीं वो मेरे को नहीं हो रहा, सही करा मैं इसलिए नहीं, जल्दी अब कर वो इस तरह से जब एडिटर ऑप्शन आता ना, आपको रहा एडिट फॉर्म खुल जाता ना भाई, आपको हूँ। हाँ एलिमेंट एडिटर है ड्रैग लेकिन उसको अपन एंड ड्रॉप का इस पहले तरह से पूरे यहाँ पर आपको सेक्शंस नजर आते ना आपको, जी इसी में क्या करें आप, जब होम अबाउट सर्विसेज का जो दिखा रहा हूँ वहां पर ऊपर मेनू बार्स, उसको जी क्लिक करेंगे राइट साइड पे कॉर्नर पे, इस तरह पेंसिल का मार्क दिखाता हूँ ऊपर, पेन का मार्क इस तरह से, तो वहां पर हाँ क्लिक करेंगे तो जो है ना वो पैलेट इधर साइड खुल जाता है आपका लेफ्ट साइड पे। हाँ अच्छा यहाँ खुलने के बाद क्या होता है, वहां पर होम अबाउट सर्विसेज इधर लेफ्ट साइड पे दिखा देता आपको, अच्छा तो वहां पर होम का, अब होम में काम करना चाह रहे हैं तो होम को क्लिक करें आप। होम को क्लिक जी करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो वहां पर लिंक का ऑप्शन आता है, अच्छा वहां पर लिंक के ऑप्शन में कौन सी लिंक होम पेज में दिखाना है आपको। मान लो कि मैं होम को क्लिक करूंगा तो मेरी दूसरी वेबसाइट यहाँ पर खुल के आना है मेन वो चीज, अच्छा यानी पेजेस भी कर सकते हैं आप, या आपको डायरेक्ट वेबसाइट के लिंक भी जो है ना यहाँ पर लगा सकते हैं आप इस तरह से। राइट साइड में क्या रहता है, बाजू में सेटिंग का ऑप्शन रहता है वहां पर, ठीक है, वहां सेटिंग के देखता ऑप्शन में, मैं सेटिंग का ऑप्शन में क्या रहता, वहां पर पूछता कि जो है आपको न्यू टैब में खोलना है या करंट टैब में खोलना है, वहां पर कुछ वो पूछता, चेक करने का रहता, चेक मार्क करने का रहता, तो न्यू टैब बोल अच्छा तो न्यू टैब को चेक करिए। अब वो वहां पर होम बटन क्लिक करते कि तुम डायरेक्ट न्यू टैब खुलता वहां पर, या उसी में खुलना है बोल तो करंट टैब बोल के ले लीजिए वहां पर। क्लियर जी है एक बार एक पेज डेमो करना पे। अभी इसमें, अब मुझे दूसरी क्लास भी है, अब बैक बैक है अभी, तो उतना टाइम नहीं है मुझे, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको क्लास उतना में कैसे, बताइए, इंशाल्लाह एक बार नेक्स्ट क्लास में बताइए ना। इंशाल्लाह बता देता हूँ। ठीक है शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ओके सलाम। और किसी का डाउट है कुछ? ठीक है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं यार भाई।